राजस्थानी दाल बाटी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं श्वेता दीदी कुकिंग चैनल। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे पंचमी दाल और बाटियां। बाटियों को अवन या गैस तंदूर में बनाया जा सकता है, मगर जिसके पास अवन या गैस तंदूर ना हो वो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मैंने आज इसको कढ़ाई में दो तरीके से बनाए हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरीके की लाजवाब और ऑथेंटिक रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देर किस बात की, रेसिपी देख लेते हैं। पंचमेल दाल बनाने के लिए हमने ली है मसूर की दाल, छिलके वाली उड़द की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल और चने की दाल। ये पांचों दाल मिला के पंचमेल दाल बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन पांचों दालों को एक बर्तन में डाल देंगे और तीन बार अच्छे से धो लेंगे। हमने दाल धो के तैयार कर ली है, तो अब हम इसको करीबन आधा घंटा पानी में भीगे रहने देंगे। आधे घंटे बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक, एक टीस्पून हल्दी पाउडर और जरूरत के हिसाब से पानी डाल के कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसको हाई फ्लेम पे एक सीटी लगा देंगे। एक सीटी आने के बाद हम इसका फ्लेम लो पे कर देंगे और 10 मिनट तक इसको पकने देंगे। हमारी दाल पक के तैयार हो चुकी है, तो चलिए तड़के की तैयारी भी कर लेते हैं। तड़के के लिए हमने एक बड़ा प्याज लिया है, दो टमाटर, इन दोनों को ही हमने छोटा छोटा काटा है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे हमने लिए हैं 3 से 4 तेज पत्ते, 2 मोटी इलायची, 1 टीस्पून जीरा, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे हमने घिस लिया था और हमने लिया है हींग। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पैन या कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल दीजिए और गैस को मीडियम पे ऑन कर दीजिए। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरे के तड़कने के बाद हम इसमें डालेंगे एक चुटकी हींग। अब इसमें हम सभी खड़े मसाले भी डाल देंगे। खड़े मसालों में मोटी इलायची को हमेशा इस तरीके से खोल के डालें, इससे मोटी इलायची का फ्लेवर बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। अब हम इसमें कसा हुआ अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल के फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर को भी फ्राई कर लेंगे। इन्हें जल्दी पकाने के लिए हम इसमें करीबन 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बिल्कुल पक के तैयार हो गए हैं, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हम केवल रंग के लिए डाल रहे हैं, इससे रंग बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है दाल का। तीखेपन के लिए हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें दाल डाल देंगे और मसाले और दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तब हम इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी पंचमेल दाल भी बनके तैयार हो चुकी है। इसे आप बाटी के साथ खाएं या फिर जिस दिन आपका कुछ अलग तरीके की दाल खाने का मन करे उस दिन भी बना सकते हैं। बाटी बनाने के लिए हमने यहाँ पे आटा लिया है, गेहूं का आटा। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब इन दोनों ही चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। अब हम इसमें मोयन मिलाएंगे। यहाँ पे मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी या तेल की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि जब हम इसको मिक्स कर लें और आटे को इस तरीके से बांधे तो आटा बन जाए। अब हम इसमें पानी मिला के एक टाइट आटा मार लेंगे। हमारा आटा पूड़ी के आटे जितना टाइट होना चाहिए। हमारा आटा मर के तैयार हो चुका है, तो चलिए इनको पकाने की तैयारी भी कर लेते हैं। बाटी बनाने के लिए हमने ली है एक कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे नमक। गैस की फ्लेम को मीडियम पे ऑन कर देंगे और इस पे इस तरीके से एक जालीदार प्लेट लगा देंगे। बाटियां बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। बस थोड़ा सा आटा लीजिए, इस तरीके से गोल गोल पेड़े बना दीजिए। अब कुछ लोग बीच में इसको इस तरीके से दबा देते हैं। हमारे घर में ये बिल्कुल गोल बनती हैं, बिल्कुल गोल गोल पेड़ों की तरह। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे घर में ऐसी सिंपल बाटियां बनती हैं।
यहाँ पे हमारा एक बैच तैयार हो गया है, तो अब हम इन बाटियों को इस जालीदार प्लेट के ऊपर रख देंगे। फ्लेम को हम मीडियम पे कर देंगे और इनको एक परात से ढक देंगे। अब हम इनको मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट बाद हम परात को हटा देंगे और इन सभी बाटियों को पलट के फिर से 5 मिनट के लिए ढक करके मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम दोबारा इन बाटियों को पलट देंगे। अब मैंने फ्लेम को बढ़ा के हाई पे कर दिया है और फिर से इनको ढक करके पकने के लिए छोड़ दिया है। और 5 मिनट बाद जब हम दोबारा चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी बाटियाँ हल्की हल्की पकनी शुरू हो गई हैं। ये ऊपर से हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इनको दोबारा ढक देंगे और फिर से पकने के लिए छोड़ देंगे। हमारी बाटियाँ सिक के तैयार हो गई हैं, तो चलिए इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इन गर्मा गर्म बाटियों के ऊपर घी डाल देंगे। ये गर्म गर्म बाटियां घी को बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब करती हैं और इससे इनका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए बाटी बनाने का दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। ये हमारे पास दूसरा बैच भी तैयार है बाटियों का, तो चलिए इसको बनाने का तरीका भी बता देती हूँ। तो पहले हम वीडियो में दिखाए गए तरीके से इस तरीके से नमक को फैला लेंगे। अब हम इसके ऊपर ये बाटियां रख देंगे। इस समय मेरी कढ़ाई और नमक पूरी तरीके से ठंडे हैं, इनको मैंने प्रीहीट नहीं किया है। अब मैंने फ्लेम को हाई पे ऑन कर दिया है और इनको ढक दिया है। 5 मिनट बाद हम इन बाटियों को पलट देंगे। इस समय नमक, बाटी और कढ़ाई तीनों चीजें बहुत ही ज्यादा गर्म होती हैं, तो इनको पलटने के लिए चिमटे का ही इस्तेमाल करें। अब हम इनको करीबन 2 मिनट के लिए ढक करके पकने देंगे। 2 मिनट बाद जब हम चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी बाटियों का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो अब हम इनको दोबारा पलट देंगे। इस समय हमारा नमक काफी गर्म हो चुका है, तो अब हम फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और फिर से इनको 2 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी बाटियां एक तरफ से सिक चुकी हैं, ये हल्की हल्की फूल भी गई हैं, तो अब हम इसको दोबारा पलट देंगे। और अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और इनको फिर से ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। ये बाटियां अब नमक की ही गर्मी से अपने आप पक जाएंगी। ये देखिए, ये वाला बाटियों का बैच बहुत ही जल्दी और बहुत ही सुंदर सिक्के तैयार हुआ था। इनमें एक अलग सा सौंधापन था। अब हम इन सभी बाटियों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। क्योंकि हमने इन बाटियों को डायरेक्टली नमक के ऊपर सेका है, तो इनके ऊपर नमक लगा हुआ है, तो अब हम इनको एक साफ किचन टॉवल पे निकाल लेंगे और इस तरीके से पोंछ लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी बाटियों के ऊपर से सारा नमक हट चुका है, तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और पहले की ही तरह हम इसके ऊपर भी घी डाल देंगे। हमारी स्पेशल डिश दाल बाटी बनके तैयार है। एंजॉय। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल के कुछ और वीडियोस देखने के लिए इन लिंक्स पर क्लिक करें।